bismillahirrahmanirrahim welcome to JOS online classes student now it's time for a math today our topic is trigonometric ratios now today we revise the chapter number 13 first of all we discuss about the trigonometric ratios there are three basic trigonometric ratios sine, cosine and tangent वन अ राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन फाइंड द साइन और कोसाइन और टेंजेंट ऑफ ऑफ़ द नॉन ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल्स। इन दिस एग्जांपल्स हेयर थीटा इज अ एंगल अकॉर्डिंग टू द थीटा एंगल ओपोजिट साइड दिस वन एंड राइट एंगल ट्राइंगल के ओपोजिट साइड पर हाई पोटिन्यूस और जहां पर ये दोनों एंगल लाई करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा बेस यहाँ पर साइन में हमारे पास क्या है ओपोजिट ओवर हाई का फार्मूला है जिसको हम परपेंडिकुलर ओवर हाई भी कहते हैं सेकेंड फिगर में आपको नजर आ रहा होगा वहीं पर लाई कर रहा है थीटा अब हाई और कॉज में हमारे पास क्या है एडज ओवर हाई पोटीन्यूस एडजस्टेंट को हम बेस भी कहते हैं जहाँ पर टू एंगल्स लाई कर रहे हैं थर्ड वन में हमारे पास है टेंजर थीटा ये हमारे पास थीटा के ओपोजिट साइड मीन परपेंडिकुलर ओवर एडजस्टेंड परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम बुकलेट से करते हैं ट्राइंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने इसकी साइड्स को मेंशन किया है द साइड बी सी इज कॉल द ओपोजिट साइड द साइड ए बी इज कॉल द एडजस्टेंट साइड बी सी साइड आपके जो थीटा जो एंगल है उसके जो बिल्कुल ओपोजिट साइड पर वो साइड होगी वो ऑपोजिट साइड कहलाती है जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और जहाँ पर ये ए साइड है जहाँ पर वो राइट एंगल ट्राइंगल और वो हमारा थीटा का जो एंगल है जो इसमें ए है लाई कर रहा है वो हमारे पास है एडजस्टेंट एंगल एंड साइड ए सी ऑपोजिट द राइट एंगल इस कार द पोर्टनीज और हमेशा राइट right एंगल की ओपोजिट साइड पे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे पास एक ट्राइंगल की वो हाई होती है फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए पी सी हमारे पास बी सी ओवर ए सी है जिसको हम ऑपोजिट ओवर हाईपोर्टीन्यूस ये हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ एंगल ए सेकेंड वन एडजस्टेंड साइड ओवर हाईपोर्टिन्यूस हमारे पास होगा को साइन ऑफ एंगल ए और ऑपोजिट साइड ओवर एडजस्टेंड साइड इज कार्ड द टेजेंट ऑफ एंगल ए ये हमारे पास उसके फार्मूलाज आगे हैं थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के इसको हम यहाँ पर ये तो हमने एक्सप्लेन करके लिखा है शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर यूज साइन इजिकल टू ऑपोजिट डिवाइड बाई हाई पोर्टिन्यूज इसको हम और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं पर पेंडिकुलर ओवर हाई पोटिन्यूज और बेस कॉज uh, हमारे पास होता है बेस ओवर हाई पोटिन्यूज और जबकि टेंजट हमारे पास टेन ए हमारे पास होता है पर पेंडिकुलर ओवर हाई पोर्टिन्यूज तो ये हमारे पास और भी शॉर्ट फॉर्म में आ गया है क्लियर क्योंकि अब ये रिवीजन हो रही है क्लास में हम बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिव योर आंसर टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स जी हमारे पास स्टूडेंट्स ये जैसे कमांड दी गई है कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके उसको सॉल्व करना है तो टेंथ फोर्टी सिक्स है कॉस फोर्टी फाइव या जितनी भी टिक्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज दी गई हैं जस्ट आपने कैलकुलेटर पर टेंथ फोर्टी सिक्स लिखोगे और उसको इक्वलिटी का साइन प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड है क्वेश्चन नंबर टू का यूज़ योर कैलकुलेटर टू फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स हुजिक्नोमेट्रिकल रेशोज आर गिवन गिव योर आंसर करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास टेन ए इज इक्ल टू वन पॉइंट टू थ्री है टेन के भी सेकंड है और ई e पार्ट है कॉज इसमें हम ए और बी और इसमें ए और ई e पार्ट्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है वन क्वेश्चन है जो भी अभी हमने कहा यूज़ योर कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यूज़ हमारे पास टेन फोर्टी सिक्स के कैलकुलेटर पर लिखेंगे वैल्यूज़ आ जाएंगी वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव फोर सिग्निफिकेंट में आपका आंसर आएगा कॉज 45 की वैल्यू लेंगे तो 0.7071 हमारे पास आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है टेन ए वन पॉइंट टू थ्री अब देखें इसमें हमारे पास टेन ए है तो ए हमारे पास जमीन हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो जब भी एंगल फाइंड आउट करेंगे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सप्लाई हो रही होगी उसका इनवर्स आ जाएगा टेन इनवर्स लेकर उसकी वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर आएगा पार्ट e है कॉज ई e. E, अगर हमने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है तो सेम दिस वन हम कॉज का इनवर्स ले लेंगे तो कॉज इनवर्स की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे इजीली एक्सरसाइज नंबर थर्टीन ए है हमारे पास इसमें उन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आपने मेंशन करना लेबल करना है करना आ, फिगर को हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट एक्स द साइड एडजस्टन टू एक्स मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स है तो एक्स के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई जी दिया सब में ये एक्स ही दिया गिवन है तो एक्स के अकॉर्डिंग आपने उसका ऑपोजिट और एडजस्टेड आपने बताना है ऑब्वियसली हाई पोर्टीन्यूस तो हमारे पास सेम रहता है वो चेंज नहीं होता राइट एंगल ट्राई के ऑपोजिट साइड हमेशा हमारे पास हाई पोटीन्यूस ही रहती है सिर्फ एंगल चेंज होता है ये एंगल ए पर लाई कर रहा है या सी पर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा हम इसमें इसका ए और बी पार्ट को रिवाइज करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसका एक थोड़ा सा इमेज के जरिए भी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ये देखें यहाँ पर साइन है साइन में यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट साइड है और ये हाई पॉटिन्यूस है और अगर यही साइन का हम यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर एंगल चेंज हो जाए पहले यहाँ एंगल बना हुआ था अब इस साइड पर एंगल बना है ऊपर वाली साइड पर तो हमारे पास ओपोजिट उप, साइड ये बन जाएगी और ये हाई पॉटीन्यूस हो जाएगा सेम वन को साइन में भी अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर लाई कर रहा है तो बेस हमारे पास ये है और हाई पोर्टिन्यूज तो ऑब्वियसली राइट एंगल के ओपोजिट साइड है बट अगर ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एंगल लाई कर रहा है तो हमारे पास बेस ये वाली साइड बनेगी जिस पर हमारे बहुत एंगल आ रहे हैं तो हाई बेस ओवर हाई पोर्टिन्यूज यहाँ पर हमारे पास टेंज में बेस हमारे पास ये देखें चेंज हो जाए जब एंगल यहाँ लाई करेगा तो ये बेस है और हमारे पास इसके ओपोजिट साइड पर ओपोजिट साइड मीन परपेंडिकुलर है अगर यहाँ पर है तो ये बेस है और ये इसकी ओपोजिट साइड हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेबल करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है हमारे पास ए बी और सी है यहाँ पर एक्स लाई कर रहा है तो एक्स के बिल्कुल ओपोजिट साइड पर क्या लाई करेगा ओपोजिट साइड जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और जहाँ पर जिस साइड पर दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं राइट एंगल भी और हमारे पास एक्स वाला एंगल वो साइड हमारी एडजस्टेंड साइड मीन बेस हो जाएगी और राइट एंगल के ऊपर तो साइड पर हमेशा हाइपोटेन्यूज ही लाई करता है बी पार्ट में देखिए जब एक्स यहाँ पर लाई कर रहा है एंगल हमारे पास जहाँ आ रहा है तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड पर आएगा हमारे पास ऑपोजिट साइड मीन पर पेंडिकुलर और जिस साइड पर दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं राइट एंगल भी और हमारे पास एक्स का एंगल तो वो हमारे पास एडजस्टेड साइड हो जाएगी और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर हाई क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है है बहुत सिंपल मगर इसमें क्या है बच्चे कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि इसमें हमें एक ही क्वेश्चन में ये सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करनी है ए पार्ट है तो ए पार्ट के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बी पार्ट के सिक्स सी पार्ट की भी सिक्स और डी पार्ट की भी सिक्स पहली थ्री कौन सी है साइन ए कॉज ए टेन ए सिंपल जैसे अभी हम डिस्कस किया सारा और बाद में है साइन बी कॉज बी और टेन बी यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साइन बी कॉज बी का क्या फार्मूला को डिफरेंट होगा वहाँ पर हम किस को कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम देखें बहुत ही सिंपल है सिर्फ एक छोटा सा आपने काम करना है कि जब आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपने अपनी जो फिगर गिवन है उसको टू फिगर्स में डिवाइड कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक अपने थ्री रेशियोज को अकॉर्डिंग जो साइन ए के अकॉर्डिंग है ए पर एंगल बनाएंगे और उसके आंसर्स लिख लेंगे फार्मूला वही है परपेंडिकुलर ओवर हाई फोर्टीन्यूज साइन ए कॉज ए है बेस ओवर हाई फोर्टीन्यूज टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है एंगल का ए का कि यहां पर एंगल बन रहा है ए पर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब ये साइन ये अपोजिट साइड बनी तो हो गया फोर यहाँ पर और हाई पॉर्टिन्यूज फाइव तो फोर ओवर फाइव आ गया ए के अकॉर्डिंग हमारी बेस बन रही है सी और ए ये बेस बन रही है तो हमारे पास कॉस बना बेस ओवर हाई फोर्टिन्यूस थ्री ओवर फाइव और टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस बना फोर ओवर थ्री बट अगर हम इसी ट्राइंगल में अगर यहाँ पर बी पर एंगल लाई करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई तो आपने सिंपली इसी ट्राइंगल को एक दफा और से बनाएंगे और यहाँ पर एंगल बी पर ड्रॉ कर देंगे और बी पर एंगल बनाने के बाद सिंपल आपको बहुत इजीली हो जाएगा कि इसके ऑपोजिट साइड पर अब ये पर पेंडिकुलर है बोथ एंगल इस साइड पर लाइक कर रहे हैं तो ये बेस है और हाई ये तो फार्मूलाज वही है देखिए परपेंडिकुलर और हाई बट अब हमारे पास इस फिगर में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया है तो हमारे पास आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे साइन का फार्मूला वही है परपेंडिकुलर ओवर हाई पॉट बट हमारे पास आगे अब एंगल में बी आ गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर बना थ्री ओवर फाइव देखिए आंसर चेंज हो गए हैं दोनों के और फार्मूला हमारा तो सेम था साइन का बट आंसर चेंज होंगे कॉज भी हमारे पास है बेस ओवर हाई पॉटेन्यूज तो बेस हमारे पास अब ये फोर बन गई है तो फोर ओवर फाइव हो गया टेंजेंट बी के अकॉर्डिंग एंगल बी के अकॉर्डिंग है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो थ्री ओवर फोर हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली होमवर्क है स्टूडेंट आपका थर्टीन ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट है आपने उसको फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही सिंपल है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू द एंगल आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ क्लियर हो जाए थैंक यू हाफिज़